गुड मॉर्निंग क्लास गुड मॉर्निंग एवरीवन सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कौन कौन से वेस्ट uh, है ओके 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 व्हाट इज द द मीनिंग ऑफ ऑफ सॉलिड सॉलिड वेस्ट वेस्ट देन देयर देयर आर वेरियस टाइप्स तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था वो है बायोमेडिकल वेस्ट ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास बायोमेडिकल वेस्ट द बायोमेडिकल वेस्ट इज नथिंग बट द वेस्ट इज जनरेटेड बाय मेडिकल स्टोर्स और मेडिकल हॉस्पिटलिटीज और एनी इंस्टीट्यूशन ओके एंड दिस वेस्ट आर हजार्डस टू द ह्यूमन लिविंग बीइंग ओके ह्यूमन लिविंग बीइंग एज वेल एज अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके सो उसे हम लोग क्या कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं ओके okay? और ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो इस सिंबल से क्या किया जाता है डिकोड uh, किया जाता है आपको बताया जाता है कि अगर किसी ट्रक पे या किसी इंस्टीट्यूशन पे अगर ऐसा आप सिंबल देखते हैं तो वो क्या है बायो हजार है. और ऐसा अगर ट्रायंगल हो और उसमें सी लिखा हो तो उसे क्या कहते हैं साइटोटॉक्सिक वेस्ट करते हैं ओके और ये सिंबल क्यों बनाए जाते हैं क्लास क्योंकि इस हैंडल विद केयर ओके उससे हम लोग को कुछ दूरी बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है कि ये सिंबल रखे जाते हैं ओके या सो दिस बायोमेडिकल वेस्ट इज सेग्रीगेटेड ऑफ सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट ओके कैसे सेग्रीगेट किया जाता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि देयर आर दी इंफेक्टेड वेस्ट एंड नॉन इंफेक्टेड वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट में भी फिर से दो टाइप्स आते हैं देयर आर दी इंफेक्टेड वेस्ट एंड नॉन इंफेक्टेड वेस्ट ओके सो नॉन इंफेक्टेड वेस्ट में मोस्टली साइटोटॉक्सिक ड्रग एंड केमिकल वेस्ट आता है उसमें मोस्टली जो uh, जो मेडिकल स्टोर में uh, मिलने वाली जो पिल्स रहती है ओके okay? uh, वो उसमें आएगा और वो जो पिल्स uh, रहते हैं वो अगर हम लोग को डिस्पोज करना है तो क्या करेंगे हम लोग ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर में उसको क्या करेंगे थ्रो करेंगे ओके okay? मोस्टली जो बड़े हॉस्पिटल्स रहते हैं वहां पे आपको ऐसे जो डस्टबिन uh, है वो आपको देखने को मिलेंगे ओके बट ये जो डस्टबिन है वो ओपन में नहीं रहते उसको uh, एक प्रॉपर स्टोर रूम में कोल्ड okay, स्टोरेज में क्या किया जाता है स्टोर किया जाता है और वहाँ पे uh, dust, uh, उसमें क्या किया जाता है uh, वो जो वेस्ट रहता है उसको डाला जाता है ओके सो दिस इनफेक्टेड वेस्ट आर अगेन द फोर टाइप्स वन इज ए soiled waste then anatomical waste infected plastic and sharp okay sharp kya hai class ki आह at the time of operation आह we use आह blade okay then series आह then needles okay वो किसमे आते हैं sharp में आते हैं okay वो white plastic container में क्या किया जाता है? है उसको आह place किया था किया जाता है okay इसके अलावा जो infected plastic है ओके सिरिंज देन ग्लोव्स देन प्लास्टिक वेस्ट ओके वो ब्लू प्लास्टिक कंटेनर में डम किया जाता है ओके इसके अलावा जो एनाटॉमिकल वेस्ट है ओके एनाटॉमिकल वेस्ट मींस हमारे बॉडी पार्ट ऑर्गन्स ओके दीस आर द एनाटॉमिकल वेस्ट है वो वो किस में किया जाता है किया जाता है जो एल्लो प्लास्टिक कंटेनर्स रहता है उसमें क्या किया जाता है डम किया जाता है ओके और इसके बाद जो वेस्ट है वो ड्रेसिंग देन प्लास्टर ऑफ पीओपी ओके प्लास्टर ऑफ पैरिस अगर आपका हाथ का फ्रैक्चर हुआ है या पैर का फ्रैक्चर हुआ है तो आप लोग देखते हो कि हमारे uh, जो uh, हाथ नहीं तो हमारे पैर को क्या क्या जाता है प्लास्टर ऑफ पैरिस के कोटिंग uh, जो सॉलिड पोषन रहता है उसमें क्या जाता है प्लेस किया जाता है ओके okay? उसके वो ठीक होने के बाद वो कट करके क्या, क्या किया किया जाता जाता है है उसको रेड प्लास्टिक कंटेनर में डम ओके सो आर दी सेग्रीगेशन ऑफ इंफेक्टेड वेस्ट एंड नॉन इंफेक्टेड वेस्ट और यहाँ पे आप लोग नीचे देख पा रहे हो कि ये जो सब uh, रेड प्लास्टिक कंटेनर है येलो प्लास्टिक कंटेनर है ब्लू प्लास्टिक कंटेनर है ब्लैक प्लास्टिक, प्लास्टिक, प्लास्टिक कंटेनर है उसको आप देख रहे हो कि रेड प्लास्टिक कंटेनर को डीपरियल किया जा रहा है नीचे जमीन में क्या किया जाता है वो गाड़ा जाता है ओके देन येलो प्लास्टिक कंटेनर ब्लू प्लास्टिक कंटेनर है मोस्टली जो सीरिंग है ग्लोव है प्लास्टिक वेस्ट है उसको क्या किया जाता है रिसाइकलिंग भी किया जाता है कुछ जो इन्फेक्टेड जो ग्लोव है उसको क्या जाता है कि पायरोलिसिस और इंसुलनेशन जो प्रोसेसेस है उससे क्या जाता है जलाया जाता है ओके सो दीज आर दी सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट ओके देन, या सो ये जो मुंसिपल सॉलिड वेस्ट है जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर को मैंने आपको कहा था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो म्युनिसपल सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे हम लोग क्या करते हैं? करते हैं, ओके okay? उसको रिसाइकलिंग uh, कैसे करते हैं, रियूज कर कैसे करते हैं और जो इंफेक्टेड uh, है उसको एज ए एंड प्रोडक्ट उसका क्या होता है वो अभी हम लोग उसमें देखेंगे कि उसका सीरीज ऑफ ऑपरेशन हम लोग देखेंगे कि हमारे घर से या हमारे सोसाइटी से या हमारे जो इंस्टीट्यूशन है कॉलेज स्कूल से जो वेस्ट uh, जाता है उसका प्रॉपर जो डिस्पोजल है वो कैसे किया जाता है ओके सो दे दीस आर दी टाइप्स ऑन साइट एट होम देन ओपन डंप टेक्निक देन सैनिटरी लैंडफिल ओके देन इंसिनरेशन एंड ओशन डंपिंग ओके या सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस ओपन डंप ओके सो ओपन डंप मींस खुले में कचरा डंप करना ओके okay? या yeah, एक एक वेस्टलैंड रहेगा वहां पे जाके जो uh, हमारे ट्रक्स और जो फोर व्हीलर्स है जिसमें हम लोग कचरा ट्रांसपोर्ट करते हैं वो जाके क्या करना है थ्रो करना किसी ओपन वेस्ट लैंड में okay? इसका क्या रहता है उससे खतरा रहता है क्लास कि ओपन डम के वजह से उसका इफेक्ट वहां की जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं ओके सो ओपन डम इज नॉट ए गुड टेक्निक बट हमारे सिटीज में इंडिया में मोस्टली आप लोग हम देखते हैं अगर आप कभी हड़प सर देवाची उस फुरसंगी उस साइड पे आप कभी जाओगे तो आपको वहां पे जो पुणे मुंसिपल कॉरपोरेशन का पूरा जो वेस्ट uh, है वहां पे ओपन डीम uh, किया जाता है बट इट्स नॉट अ गुड टेक्निक ओके सो द ओपन डम इज ए अनसैनिटरी ओके ड्रॉ पेस्ट एंड वर्मिन हार्मफुल रन ऑफ एंड लीचेट्स एंड टॉक्सिक ओके इससे क्या किया जाता है कि दीज आर दी ओपन सैनिटरी उसके वजह से क्या होता है कि जो पेस्ट और डिसीजेस वहा उस एरिया में क्या कर सकते हैं बढ़ सकते हैं ओके एंड अगर वहां पे बारिश होती है तो क्या क्या होता है क्लास कि जो रन ऑफ रहता है रन ऑफ मीन्स पानी का बहाव ओके ओके सो so, वो एक पर्टिकुलर पोर्शन से इलुवेशन और इलुवेशन होके क्या 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 होगा उसका नीचे जाएगा ओके और वहाँ पे क्या प्रो प्रोड्यूस होगा क्लास लीचेट प्रोड्यूस होगा अभी आप बोलोगे कि सर ये लीचेट क्या है ओके ये लीचेट ऐसा बाय प्रोडक्ट है कि जो कचरेज में जो पानी गिरता है और उसका परकुलेशन होता है ओके सो वो एक जगह पे क्या क्या आ, होता है प्रोड्यूस होता है ओके उससे क्या उससे क्या कहते हैं लीचेट कहते हैं और ये जो लीचेट रहता है वो बहुत हार्मफुल रहता है क्लास कि जिसके वजह से सॉइल पोल्यूशन ग्राउंड वाटर पोल्यूशन बहुत बड़े पैमाने पे होता है ओके या सो इसके अलावा आपको आप देखते हो कि अगर कचरा एक जगह पे कंटिन्यूसली प्रेस किया जाए तो वहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है ओके और इस मिथेन गैस का आ, अगर जो ऑक्सीजन के साथ ओके या किसी दूसरे गैस के साथ रिएक्शन होने की वजह से आग लगती है और आप देखते हो कि मोस्टली जो ओपन डम uh, जो वेस्ट है वहां पे आप लोग देखते हो कि फायर लगी हुई है ओके सो दिस आर और उसके वजह से बहुत से ऐसे टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होते हैं और उसका इफेक्ट वहां का पूरी एयर एयर जो है वो क्या होती है पोल्यूट होती है ओके या सो दिज आर दी टाइप इज डंपिंग यहाँ पे आप लोग अभी देखोगे पे आप लोग देखते हो कि इसका इफेक्ट जो जो अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स uh, है लाइक फेरल डॉग्स देन फेरल काउस ओके देन बर्ड्स ओके बहुत से ऐसे Uh, अभी यहाँ पे आप लोग कैटली ग्रेड यहाँ पे देख रहे हो वाइट कलर के ओके okay? और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि पिजन uh, है ओके या सो उसका इफेक्ट क्लास जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर भी होता है ओके सो दीज आर दी ओपन डंप टेक्निक ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल देन अनदर टेक्निक इज अ सैनिटरी लैंडफिल ओके So, sanitary landfill class क्या रहती है अभी पे आप लोग क्या देखते हो क्लास मैं थ्रू इमेज आपको बताता हूँ हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी वेस्ट लैंड पे अगर हम लोग ने जो वेस्ट है वो ओपन डम्प कर दिया तो उसके ऊपर सैनिटरी लैंड फिल्म किया जाता है क्लास कि ऊपर से फिर से अर्थ का लेयर दिया जाता है कि जिसके वजह से जो नीचे का जो वेस्ट है ओके ओके वो क्या हो आ, हो गे? और ये जो जहां पे हम लोग ओपन डम्प करते हैं उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं बहुत बड़ा गड्ढा होता हैं कि जिसके वजह से जो लीचेट प्रोड्यूस हो उसको क्या कि, क्या किया जाए बाहर निकाला जाए और वो किसी दूसरे टेक्निक से क्या किया जाए उसका डिस्पोजल किया जाए ओके सो आर दी डिजाइन ऑफ द सैनिटरी लैंडफिल और ये जो uh, है अगर आप कभी सासवड़ uh, जेजूरी जाओगे तो वहां पे आपको ये सैनिटरी लैंडफिल का टेक्निक्स आपको देखने को मिलेगा वहां की जो मुं uh, uh, सब मुंसिपल कॉरपोरेशन है ओके नगर परिषद है वो सैनिटरी uh, लैंडफिल का बहुत उन्होंने अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने वहां पे क्रिएट किया हुआ है ओके या सो मैं जैसे मैंने आपको बताया था इट रिक्वायर्स इम्परेबल बीचेट एंड एंड कैन अ कॉजेस अ प्रॉब्लम बाय ओवरफ्लो ओवरफ्लो होता है क्लास बट हम लोग ने आप मैंने आपको बताया था कि लीचेट के लिए अगर हम लोग वो जो लीचेट है थ्रू पाइप्स और थ्रू अ पंप ओके सबमर्सिबल पंप से हम लोग क्या किया जाए उसको निकाला जाए ओके उस लीचेट को तो वो जो ओवरफ्लो का जो चांसेस है वो क्या हो सकता है कम हो सकता है वो अभी डिपेंड करता है कि वहां पे वो उस वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है वो कैसा सैनिटरी लैंडफिल वहां पे बनाता है ओके सो दिस आर लोग देख रहे हो कि ये uh, जो सैनिटरी लैंडफिल है वहां पे ये जो लीचेट है वो कैसे ओवरफ्लो होता है ओके ये वन ऑफ द प्रॉब्लम है अगर आप लोगों ने अच्छे से लैंडफिल क्रिएट ना करी तो ओके या सो यहाँ पे आ, डम किया हुआ है ओपन डम किया है उसके बाद ऊपर से क्या कर, करते हैं अर्थ का लेयर लगाते हैं ओके उस पर उसके ऊपर अर्थ का लेयर डालते हैं थ्रू अ जे सी बी थ्रू अ ओके उसके बाद आपको पता है कि बारिश होती है तो जो पानी है वो नीचे नीचे जाके ऐसे बार टब जैसा क्या होता है सिचुएशन होता है और वो ये जो पूरा जो लीचेट है वो ओवरफ्लो जाता है बट अगर हम लोग ने यहाँ पे सब पंप से वो लीचेट कंटिन्यूसली निकाला जाए तो ये जो बाढ़ टब वाला जो इफेक्ट है वो क्या होगा नहीं होगा ओके सो वन ऑफ द टेक्निक इंसिनरेशन क्लास ओके सो इंसरीनेशन इंसरीनेशन इज वन ऑफ द न्यू टेक्निक टू कंट्रोलिड वेस्ट पोल्यूशन ओके प्लस इंसरीनेशन में क्या किया जाता है कि ये जो वेस्ट uh, है वो हाई uh, हीट में क्या किया जाता है उसको बर्न किया जाता है ओके okay? ये जो वेस्ट है उसको क्या किया जाता है बर्न किया जाता है बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत कॉस्टली टेक्निक है इसके अलावा जब ये जो हम लोग वेस्ट बर्न करते हैं तो उसमें से बहुत से, से टॉक्सिक गैसेस निकल के बाहर आते हैं एटमॉस्फेयर में तो उसमें उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको थ्रू डिफरेंट पाइप से उसको सेपरेट किया जा, जा सकता है और क्लोरीन देन एच ओके okay? उसको हम लोग क्या कर सकते हैं दिस गैसेस को हम लोग आ, रीयूज कर सकते हैं ओके थ्रू अ साइंटिफिक लेबोरेटरी जो साइंटिफिक लेबोरेटरी है जहाँ पे क्लोरीन अगर क्लोरीन या एफ की uh, जो गैस लग सकता है तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा दिस वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट टेक्निक ओके इसके अलावा और एक टेक्निक uh, है इंसिलेशन या सो ओशन डंपिंग ओके सो so, एक कोई टेक्निक नहीं है क्लास बट अभी हम लोग देखते हो कि थ्रू अंडर वाटर ड्रेनेज ओके जो जो अंडर वाटर ड्रेनेज है ओके वो जाके आ, रिवर को या किसी स्ट्रीम को मिलता है वो स्ट्रीम जाके आ, रिवर को मिलती है वो रिवर जाके ओशन आ, सी को मिलती है और इस सी जाके ओशन को मिलता है तो अभी हम लोग देख रहे देख पा रहे हो कि अगर हम लोग ने पुणे में, में या किसी मुंबई में या बैंगलोर में अगर आप लोग पोल्यूशन कर रहे हैं तो वो पूरा जो आ, वेस्ट है अगर हम लोग ने उसको पानी में डाल दिया तो कहीं ना कहीं वो जाके कहाँ कहा पे मिलेगा सी ओशन में जाके मिलेगा बट इट्स नॉट अ फेवरेबल टू द ओशन इकोसिस्टम सी इकोसिस्टम रिवर इकोसिस्टम एंड स्ट्रीम इकोसिस्टम ओके उनके लिए वो क्या है फेवरेबल नहीं है उसके वजह से क्या हो सकती है कि वो जो पूरी जो इको है वो क्या कर सकती है कोलैप्स कर, कर सकती है और हम लोग ने ऑलरेडी इकोलॉजी uh, और इकोसिस्टम में सीखा है कि द वन अनिमल एंड वन ट्री आर कनेक्ट आर नेक्टेड टूच अदर हम लोग इंटरकनेक्टेड है ओके या सो इस पूरे बैलेंस को मेंटेन रखना हम हमारी जिम्मेदारी है ओके okay? बट अभी हम लोग देख पा रहे इन मॉडर्न इरा में आ जो एटॉमिक पावर प्लांट है उसमें से जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको ओशियन के नीचे जाके क्या 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 कर, कर रहे है वो लोग उसको डम्प कर रहे हैं ओके okay? बट अगेन उस उस रेडिएशन से जो वॉटर इकोसिस्टम है उनके ऊपर क्या हो सकता है इफेक्ट हो सकता है सो आर नॉट वेरी गुड टेक्निक फॉर द कंट्रोल ऑफ द एंड द डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट ओके सो दिस इज ऑल अबाउट वॉट इज मीनिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट ओके देन टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट कॉजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट देन इम्पैक्ट ऑफ़ सॉलिड वेस्ट एंड द प्रिकॉशनरी एंड डिस्पोजल टेक्निक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट ये हम लोग ने पूरे सॉलिड वेस्ट जो सब टॉपिक uh, है ओके okay, वो हम लोग में uh, सीखा है ओके okay? या सो दिस इज ऑल अबाउट दू डेज लेक्चर एंड डिस्कस अन अ नेक्स्ट लेक्चर ओके थैंक यू क्लास एंड है गुड डे थैंक यू